मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज़ मी, योर इंग्लिश टीचर सोनल मिस। स्टूडेंट, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ ए एंड एन। यू कैन लुक हियर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टॉपिक द यूजेस ऑफ द। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। स्टूडेंट, यू कैन सी इन द फर्स्ट पॉइंट द इज यूज्ड। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है बिफोर अ पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट एज, यानी कि द का प्रयोग किसी भी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के नेम के आगे करते हैं। इन एग्जाम्पल, आई हैव रिटन दिस इज द गर्ल हु मिस्ड हर क्लास, यानी यही वो गर्ल है जिसने अपनी क्लास को मिस्ड किया। और ये जो गर्ल वर्ड है, ये यहाँ पे पार्टिकुलर गर्ल है, पार्टिकुलर नेम है, इसीलिए इसके आगे हमने क्या यूज़ किया, द। इन नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स एंड ओशियन, इट मीन्स कि द का प्रयोग हम किसी भी रिवर और ओशियन के नेम के पहले करते हैं। इन एग्जाम्पल, द गंगा फॉल्स इन टू द वे ऑफ बंगाल, हियर द गंगा इज द नेम ऑफ रिवर, सो वी आर यूजिंग हियर द। इन थर्ड पॉइंट, बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंज एज, यानी कि द का प्रयोग हम थर्ड पॉइंट में देखेंगे माउंटेन के नेम के आगे होता है। और यहाँ एग्जांपल में लिखा हुआ है द हिमालयस आर द हाईएस्ट माउंटेंस, यानी हिमालयस जो नेम है ये एक माउंटेन का नाम है, इसलिए इसके आगे हमने द का प्रयोग किया। इन पॉइंट नंबर फोर, बिफोर द नेम्स ऑफ सैक्रेड बुक एज, सैक्रेड का मतलब होता है आपका धार्मिक ग्रंथ, क्या होता है, धार्मिक ग्रंथ, इसलिए धार्मिक ग्रंथ जैसे बुक के नाम के आगे हम द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो द कुरान इज अ होली बुक ऑफ द मुस्लिम, ये जो कुरान बुक है वो मुस्लिम का क्या है, धार्मिक ग्रंथ है, इसलिए कुरान धार्मिक ग्रंथ होने के कारण इसके आगे हमने द का प्रयोग किया। पॉइंट नंबर फाइव, बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, यानी द का प्रयोग किसी भी न्यूज़पेपर के नेम या फिर किसी भी मैगजीन के नेम के आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं। हियर यू कैन सी इन एग्जाम्पल, द इंडियन एक्सप्रेस इज अ गुड पेपर, यानी इंडियन एक्सप्रेस जो है एक न्यूज़पेपर का नाम है, इसलिए इसके आगे हमने द का प्रयोग किया। इन पॉइंट नंबर सिक्स, बिफोर द नेम्स ऑफ नेशनैलिटी एज, यानी किसी भी नेशनैलिटी वर्ड के आगे हम द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो द इंग्लिश डिफेटेड द जर्मन्स, यहाँ जो इंग्लिश वर्ड है एक नेशनैलिटी वर्ड है, इसलिए आगे हमने इसके आगे द का प्रयोग किया। इन पॉइंट नंबर सेवन, बिफोर एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्री एज, यानी कोई भी सुपरलेटिव डिग्री से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं उसके आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं। यू कैन सी इन योर एग्जाम्पल, राजू इज़ द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास, राजू जो है अपने क्लास में अपने वर्ग में सबसे चालाक लड़का है। और ये जो क्लेवरेस्ट वर्ड है ये सुपरलेटिव डिग्री से रिलेटेड वर्ड है, इसीलिए इसके आगे हमने द का प्रयोग किया। इन पॉइंट नंबर एट, यू कैन सी बिफोर द नेम ऑफ सर्टेन बिल्डिंग एंड द नाउन डिनोटिंग नेचुरल फेनोमेनन, यानी कि द का प्रयोग हम किसी भी सर्टेन बिल्डिंग के नेम के आगे करते हैं या फिर किसी तरीके के नेचुरल फेनोमेनन के आगे।